जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल से श्री ज्ञान आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय है वो सिद्ध कुंज का स्तोत्रम है। कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, जहाँ हम गलती करते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। दुर्गा सप्तशती में वह मैं वीडियो डाल चुका हूँ पहले भी कि पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चार चीजें आप पढ़ सकते हैं और उससे भी ज्यादा फल आपको मिलेगा जितना आप डेली पढ़ते हैं। पूरा पढ़िए दुर्गा सप्तशती को, लेकिन चतुर्दशी वाले दिन पढ़ सकते हैं, अष्टमी नवमी वाले दिन आप पढ़ सकते हैं, नवरात्रों में आप अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन चार चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपको संपूर्ण फल मिलेगा। जो दुर्गा सप्तशती में क्रम है पूजा पाठ विधि में, ये पहले शुद्धि मंत्र पढ़ते हैं। चार मंत्र दे रखे हैं, अब खोल के देखेंगे। जब ओम एम आत्म तत्व सोध्यामि नमः, ओम ह्रीम विद्या तत्व सोध्यामि नमः, ओम क्लीम सर्व तत्व सोध्यामि नमः, ओम एम ह्रीम क्लीम सर्व तत्व सोध्यामि नमः। दाहिने हाथ में जल लेकर और इसको आप अपने ऊपर डाल सकते हैं, इससे आपका चारों तरफ और आप पवित्र हो जाएंगे। इससे आप आचमन भी कर सकते हैं इन मंत्रों से। फिर क्रम आता है सिद्ध कुंज का स्तोत्रम, दुर्गा सप्तशती का मुख्य भाग, जो मुख्य बिल्कुल जिसको पट्टिका हुआ है दुर्गा सप्तशती, वो है सिद्ध कुंज का स्तोत्रम, जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था माता दुर्गा के बारे में। कुछ लोग इसको लास्ट में पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको अधिकतर भूल ही जाते हैं तो फल नहीं मिलता। भगवान शिव ने लास्ट में कहा है कि हे देवी पार्वती, जो बिना सिद्ध कुंज का स्तोत्र के दुर्गा सप्तशती का जप करता है, अध्ययन करता है, उसको वैसे ही सिद्धियां नहीं मिलती, उसको वैसे ही फल नहीं मिलता जैसे वन में रोना निरर्थक होता है। तो शुद्धि मंत्र हो गए, इसके बाद में आप सिद्ध कुंज का स्तोत्रम का पाठ कीजिए। इसका सही क्रम यही है, दूसरे नंबर पर सिद्ध कुंज का स्तोत्र आता है। शिव उवाच, श्रणु देवी प्रवक्ष्यामि सिद्ध कुंज का स्तोत्रम, येन मंत्र प्रभावेण चंडी जप शुभो भवेत्, न कवचम नारगला स्तोत्रम, कीलकम न रहस्यकम, न सुप्तम नापि ध्यानम, चैन न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, अति व्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम, गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयनिरीव, पार्वती मारणम मोहनम वश्यम, स्तंभनो चाटनाधिकम, पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। कहने का मतलब यह है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि ये मंत्र है ना, इतना वो है, इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि इसका जप करने के बाद, इसका अध्ययन करने के बाद ना तो आचमन की जरूरत होती है, ना ही ध्यान की जरूरत होती है, ना ही अध्यायों के अध्ययन की जरूरत होती है, अध्याय भी नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, ना ही कवच पढ़ने की जरूरत है, ना ही अर्गला, ना ही कीलक, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है इस स्तोत्र का अगर आप अध्ययन करते हैं। और इसको ये गोपनीय बताया गया है, जैसे इंसान अपनी योनि को छुपा के रखता है, ढक के रखता है, इसी तरह इस मंत्र को भी, इसको भी छुपा के रखना चाहिए। और इस अगर मंत्र सिद्ध हो जाए, इस मंत्र से जो आप जाप करते हैं, इस मंत्र से आप मारण भी कर सकते हैं, मोहन भी कर सकते हैं, किसी को वश में भी कर सकते हैं, उच्चाटन भी कर सकते हैं, सब चीज हो सकता है, ये उन्होंने इसकी महिमा बताई है। फिर जो मंत्र है ये सिद्ध कुंज के स्तोत्र की रीढ़ की हड्डी है, अर्थात मुख्य भाग है सिद्ध कुंज के स्तोत्र का। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे नमः बोल सकते हैं, स्वाहा नहीं बोलना है। ओम ग्लाउम हुम क्लीम जुम सह ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट नमः। स्वाहा लिख रखा होगा, स्वाहा नहीं बोलना है, नमः बोल सकते हैं। नमः लगाने से मंत्र नपुंसक हो जाते हैं और उसकी स्त्री और पुरुष दोनों मंत्रों से ज्यादा शक्ति।
तो इस मंत्र को आप कम से कम जाप कीजिए 3, 5, 11, 108 जो भी आपकी श्रद्धा हो इस मंत्र को जाप कीजिए। ये पूरा की है दुर्गा सप्तशती, सब कुछ यही है। तो ये हो गया, फिर आप पढ़िए नमस्ते रुद्ररूपिणी, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभहारिणी, नमस्ते महिषार्दिनी, नमस्ते सुमंत्री चैन शुंभ असुरघातिनी, जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धम कुरु, उसमें ऐं कार्य शिशुरूपा ह्रीं कार्य प्रतिपालिका, क्लीं कार्य कामरूपिणी बीज रूपे नमोस्ते, चामुंडा चंड घाती चयी कार्य वरदायिनी, इच्छे चावेदा नित्यम नमस्ते मंत्ररूपिणी, धाम धीम धूम दुर्जयपत्नी, वाम ह्रीं ओं वाग्दीश्वरी, क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी, सां श्रीं सों मैं शुभम कुरु, हुम 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 कारुपनी, जम 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 जमनादिनी, ब्राम ब्रीम ब्रोम भैरवी भद्रे भानिते नमो नमः, अम कम चम टम तम पम यम सम वीम दुम एम वीम हम छम, तिजाग्रम तिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दिद्धम कुरु कुरु नमः। स्वाहा नहीं बोलना है, नमः बोलना है। पाम पीम पूम पार्वती पुराणा, खाम खीम खूम खेचरी तथा, साम सीम सो मंत्र सिद्धिम कुरुष में, यह कुंजी के सूत्र मंत्र जागृति, हेतवे ए भक्ति नैव धातव्यम गुप्त में रच पार्वती, यस्ति कुंज के देवी ही नाम सरस्वती पठेत न तस्य जायते सिद्धिर निर्ग्रम यथा। ये जो मंत्र है यह मंत्र की जागृतियों के लिए है, सिद्ध कुंज के सूत्र ये इन्होंने भगवान शिव ने माता दुर्गा को बताया। तो कभी भी आप इस मंत्र को, आप इस स्तोत्र का जाप करें तो बहुत ही शुद्ध उच्चारण कीजिए, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लाउं हुं क्लीं जुं सः ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट नमः। तो स्वाहा जहां पे दे रखा है वहां ना बोलें, स्वाहा जब बोलना चाहिए जब हम आहुति दे रहे हैं, जब हम ये सिद्ध कर लेते हैं जाप संख्या के इसका दशांश हवन करेंगे तब आप स्वाहा का उपयोग कीजिए, वरना आप मंत्र जाप करेंगे फायदा नहीं मिलेगा। तो सिद्ध कुंज का स्तोत्रम जो है उसे आप सब कुछ कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे इसको पढ़ा जाता है, फिर आप अध्यायों का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ज्ञानवर्धक आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और आपको यदि अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बर्थ डिटेल्स सेंड कीजिए, कोई भी 3 या 4 सवाल आपके जो हो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।